Good morning, dear students. Welcome to SST class. And today we'll learn about different kinds of farms. जो farms होते हैं वो अलग अलग किस तरीके से होते हैं. So let's read. So farming is not related to cultivating grains and vegetables. जो farming होती है ना, सिर्फ farming में सिर्फ ये नहीं होता कि बीज बोए, उन्हें काटा, सब्जियाँ बोई, उन्हें काटा, सिर्फ यही नहीं आता. देर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट वी डू इन फार्मिंग. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फार्मिंग में करते हैं. सो देर आर अदर काइंड ऑफ फार्म्स ऑल्सो. हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ पोल्ट्री फार्म? कभी आपने पोल्ट्री फार्म के बारे में पढ़ा है? पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म्स. डेयरी फार्म्स क्या होते हैं? जहाँ पर डेयरी से आपको क्या समझ आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेयरी? डेयरी जो मिल्क मदर डेयरी होती है ना, मदर डेयरी, वहाँ पर हमें दूध मिलता है और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो वो वाले फार्म्स जहाँ पे दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलते हैं, जैसे घी, मिल्क, दही, ठीक है, तो उनको बोलते हैं डेयरी फार्म. पोल्ट्री फार्म्स क्या होते हैं? जहाँ पर हमें एग, मीट, जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी उनको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म. जैसे जहाँ पर लोग काउज और बफेलोज रखते हैं उनको क्या बोलेंगे? डेयरी फार्म्स. जहाँ पर हेन, चिकन्स ये सब रखते हैं उनको क्या बोलेंगे? पोल्ट्री फार्म, ठीक है. एंड लाइव स्टॉक फार्म्स ऑफ और एन, ये दो तरीके के हो गए, एक तो लाइव जो पोल्ट्री फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, और जो दो अदर टाइप्स हैं वो है लाइव स्टॉक फार्म्स और एन एक्वा फार्म्स. एक्वा, एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर से रिलेटेड. तो जैसे फिशेज हो गई, ठीक है. सो ये वाले जो जो इनका ध्यान रखते हैं, जो हमारे फिशर्स होते हैं वो जो होते हैं ये वाली फार्मिंग करते हैं, एक्वा फार्म. लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा है हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ एनिमल देखा है आपने, शीप, शीप भी लेकर आते हैं लोग, है ना, शीप भी, काउ भी. सो वो क्या करते हैं? रेयर करते हैं एनिमल्स को, अपने पास रखते हैं, उनको पालते हैं, फिर उनसे जो उनको चीज़ें मिलती हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है. तो दे रेयर एनिमल्स, ठीक है. सो येस, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स. ये अलग अलग तरीके के फार्म्स होते हैं जो विच कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग में ही आता है ये सब कुछ, एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है. फॉर फूड एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, वेयर पीपल रेयर एनिमल्स फॉर फूड एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है. जो फूड के प्रोडक्ट्स हो गए और जो एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये करते हैं. जो चारों फार्मिंग है इट इज मेनली रिलेटेड टू फूड एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? व्हाट स्ट्राइक्स यू व्हेन यू सी दिस पिक्चर? यस, आई गेस इसमें कुछ फिशेज हैं, स्नेक्स हैं. स्नेक्स तो शायद नहीं, फिशेज ज़्यादा हैं, फिशेज हैं, है ना. सो ओके, लाइफ स्टॉक फार्म. नाउ लेट्स रीड अबाउट व्हाट इज लाइफ स्टॉक फार्म. लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ रेजिंग एनिमल फॉर कमर्शियल पर्पसेस. जैसे कि जो छोटे से लेके बड़े तक उनको पालते हैं, उसके बाद उनको बेच देते हैं, ठीक है. तो वो होती है व्हेन दे सेल, मतलब उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेच देते हैं. तो उनके जो मतलब, लेकिन लेकिन रखते हैं उनको बचपन से ही, बचपन से पालते वालते हैं उनको. उसके बाद जब उनसे जैसे गाय का जो बेबी हुआ उसको रखा, पाला उसको, जब वो बड़ा हुआ, बड़ी हुई जब गाय, तो उसको उसके जो एनिमल्स हैं वो उसके जो दूध है, जो उसका उसमें से जो दूध में से जो घी निकलेगा वो कमर्शियल करके पैक करके पूरा बेचते हैं, ठीक है. जैसे रामदेव जी हैं वो गाय रखते हैं, गौशाला है उनकी, है ना, लेकिन फिर वो गाय का घी भी बेचते हैं ना. सो वो क्या हो गया? कमर्शियल हो गया, क्योंकि वो गाय को इसलिए रख रहे हैं कि ताकि उसमें से उनको कुछ मिले. सो वो वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी मदर्स होंगी वो कुछ पैकेट वाला दूध कई लोग यूज़ नहीं करते हैं. तो जो लोग पैकेट वाला दूध यूज़ नहीं करते हैं वो मार्केट से नहीं लाते हैं, वो किसी आंटी के घर से लेकर आते हैं जहाँ पर उन्होंने भैंस रखी होगी या काऊ रखी होगी, है ना. सो वो जो उन्होंने ख़रीदा उनसे वो कमर्शियल है. लेकिन अगर किसी ने गाय रखी हुई है और वो अपने घर में ही यूज़ कर रहे हैं, कहीं बेच नहीं रहे, तो वो अब कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ, वो सेल्फ कंज्यूमशन हो गया अपने लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है. तो जब किसी चीज़ को बेचने के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को रखते हैं, उसको कमर्शियल यूज़ बोलते हैं. अब जैसे कि आप, अगर आप एग्जांपल, अगर आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, सो आप उनको पे करते हो,
नहीं ना, सो वो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट जाते हो सो यू पे राइट, जो भी आप खरीदते हो तो आप उनसे वो उनको पैसे देते हो उसके, सो दे आर सेलिंग द फूड फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। सो ये होता है कमर्शियल और कमर्शियल पर्पस, जिसमें कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग आती है, ठीक है। कमर्शियल मतलब बेचना, चाहे वो अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो या एक्वा फार्मिंग हो या लाइफ स्टॉक हो या फिर डेयरी फार्मिंग हो, बट अगर सेलिंग के पर्पज़ से कुछ कर रही हैं तो वो कमर्शियल यूज होता है, ठीक है। नाउ लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लेट्स रीड इट। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ रेजिंग एनिमल्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। इट इंक्लूड्स रेजिंग एनिमल्स सच एज कैटल, जो घास जो चढ़ते हैं ना, जो ग्रेजिंग करते हैं उसको बोलते हैं कैटल, पिग्स, शीप, गोट, हॉर्सेज, मल्स, एसेस, बफेलोज एंड कैमल्स फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड बर्ड्स फॉर मीट और एग। सो देर आर वेरियस फील्ड्स ऑफ फार्मिंग अंडर द कैटेगरी। डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म आर जस्ट टू ऑफ देम। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पर हमने जो मेन उनको जो कैटेगराइज किया है वो दो में कर दिया, कि एक वो जहाँ पर हमें मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं और मिल्क मिलता है, द सेकेंड वन इज वेयर वी गेट एनिमल एंड इट्स एग, मीट एंड इट्स एग, ठीक है। सो नाउ एक्वा फार्मिंग। सो एक्वा फार्मिंग क्या होती है? एक्वा मतलब वाटर से रिलेटेड, राइट। वी सॉ द पिक्चर्स, अभी अभी हमने देखी है ना पिक्चर जहाँ पे फिशेज थी बहुत सारी। सो इट इंक्लूड्स द कल्टिवेशन ऑफ फिशेज, शेलफिश, देखिए ना आप शेलफिश, एल्गे एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी वाटर में रहते हैं, चाहे वो प्रॉन हो, चाहे वो फ्रॉग हो, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। सो जो भी वाटर में होती है, अगर लोग उसको रख रहे हैं सेलिंग के पर्पज़ से, सो दैट इज़ एक्वा फार्मिंग, ठीक है। फिश फार्मिंग इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर। जो हमने ज़्यादा सुना है कि वो किसके बारे में सुना है? फिश के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिश की फार्मिंग करते हैं, फिशिंग फार्मिंग करते हैं। ओके, सो फिश स्पेसिस रेज्ड एट फिश फार्म्स इंक्लूड सेलमन, जो भी जो कैटेगरी होती है फिश की, सेलमन होती है, कैटफिश होती है, टिलापिया होती है एंड कॉड होती है, मेन जो है। सो फिशेज आर जनरली रेज्ड इन लार्ज टैंक्स और पॉन्ड्स, जो बेचने के लिए जो फार्मिंग, जैसे हम अगर काऊ की फार्मिंग करते हैं तो काऊ जो होगी वो एक अपनी स्टेबल में रहती है, राइट। ऐसे ही जो फिशेज होती हैं वो उनके लिए भी पॉन्ड बनाना पड़ता है, राइट, दे नीड टू लिव इन वाटर। तो द मेन एडवांटेज ऑफ एक्वा फार्मिंग इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज कैन बी यूज्ड, वाटर बॉडीज अलग अलग यूज हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो भी अवेलेबल हो, जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, जो भी अवेलेबल हो, उस ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशली उसके लिए एक्वेरियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज होती है ना फॉर रेजिंग फिशेज। However, in general, pond system are easier to manage and simpler to begin with. लेकिन जो pond system होता है वो सबसे ज़्यादा easy होता है, उसमें आराम से बहुत सारे aquatic animals को रखा जा सकता है, ठीक है। Now, dairy farming. Now, people raise animals like cows, goat and sometimes sheep for their milk and dairy requirements on dairy basis. है ना, जो डेयरी की जो रिक्वायरमेंट्स होता है उनके बेसिस पर वो अपने अपने, अगर कहीं पर काऊ की, काऊ मिल्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे काऊ रखते हैं, जहाँ पे शीप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा शीप की तो वहाँ पर शीप रखते हैं, ठीक है। सो वी गेट प्रोडक्ट्स लाइक बटर, कर्ड, चीज़ एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमें ये वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग बर्ड्स डोमेस्टिकली और कमर्शियली। अब जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं, अब वहाँ पे चिकन्स भी रखे जाते हैं, तो वो जो होती हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती हैं, कि उसको बेच के और उनके एग को बेच कर और फिर पैसे कमाते हैं। तो जो भी चीज़ पैसे कमाने के लिए होती है उसको कमर्शियल बोलते हैं। अब जैसे जो आपके जो भी वैन में आते हैं बच्चे, तो जो भी जो कैब में आते हैं उनको मम्मा पापा आपके पे करते हैं ना, तो वो कमर्शियल हो गया, उनका येलो कार्ड बना होता है। लेकिन जब आपके पापा आपको लेके जाते हैं तो, या मम्मा लेके जाती है घुमाने के लिए, तो वो आपसे पैसे लेते हैं? नहीं लेते, राइट। सो वो जो कैब वाले भैया हैं वो क्या हो गए? कमर्शियल यूज़ के लिए, और जो आपके मम्मी पापा लेके जा रहे हैं वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए। सो रेजिंग बर्ड्स डोमेस्टिकली और कमर्शियली, प्राइमरली फॉर मीट एंड एग्स। सम ऑफ दीज बर्ड्स लाइक
आर चिकन्स, टर्कीज, डक्स एंड गीज। जो मेन होती है वो ये वाली रखते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मैंने आपको बताया कि पैसे, व्हेन यू नीड टू अर्न आउट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल, ठीक है। अन्ना सुगातोस घोष वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज फार्मिंग एक्टिविटीज एंड इंक्रीज हिज होम। अब जो सुगातो है, पहले उसका छोटा बिजनेस था, राइट, फिर उसने टूल्स खरीदे तो थोड़ा सा और एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। अब उसको और ज़्यादा बड़ा करना चाहता है वो, ठीक है, और अपना एक बड़ा घर बनाना चाहता है। नाउ ही केम टू नो अबाउट कमर्शियल फार्मिंग एंड वॉन्टेड टू टेक इट अप। अब वो कमर्शियल फार्मिंग के बारे में उसको पता चला तो उसने सोचा कि अब मैं इस पर काम करूँ। सो लेट अस रीड हाउ इट इज़ different from other types of farm. Now, subsistence farming and commercial farming. जो हम, मैंने आपको जैसे example बताया कि जब हम जो अगर काउ कर रखा हुआ है और वो हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी जो प्रोडक्ट्स है, सो वो हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। जब हम अपने लिए प्रोडक्ट, जैसे हमने सोचो अगर हमने खेत, हमारे पास गार्डन है, हम गार्डन में हमने वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं और वो हम खुद ही कंज्यूम करें, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन जब हम उसको बेचने के लिए, बेचने के पर्पज से हम उसको ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर फार्मिंग की जाती है, छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी, बहुत बड़े लेवल पर भी। सो डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन आपको पता है फिजिकल फीचर। अब जैसे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ किसी स्टेट का फिजिकल फीचर कैसा है, वहाँ पर कौन सी फार्मिंग हो सकती है अच्छे से, ठीक है। सो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी क्या डिमांड है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अगर वहाँ पे लेबर कम है तो ऐसी फार्मिंग होगी जिसमें लेबर कम रहती है। अगर लेबर ज़्यादा है, आराम से अवेलेबल हो जाती है लेबर, तो वहाँ पे ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे लेबर ज़्यादा हो जाए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टूल्स वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये वाली चीज़ें का पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद स्टार्ट होती है। ओके, सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ फार्मिंग, मैंने आपको बताया सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। तो लेट्स रीड अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ठीक है। फार्मर की फैमिली के लिए जो यूज़ होता है उस केस में ये यूज होती है। सो सिंपल टूल्स एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अ टिपिकल सब्सिस्टेंस फार्म हैज़ अ लार्ज रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स नीडेड बाय द फैमिली टू फीड एंड क्लोथ्स देमसेल्फ। तो फार्मिंग, जो फार्मर होगा उसकी फैमिली होगी ऑब्वियसली, अब उसको एनिमल्स भी होंगे जो उसको फार्मिंग में हेल्प करते हैं, तो उनके खाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो उसको ग्रो करना पड़ेगा, है ना। सो बस वो उतना ही ग्रो करते हैं। ओके, प्लांटिंग डिसीजंस आर मेड प्रिंसिपली विद एन आई टूवर्ड्स व्हाट द फैमिली विल नीड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। मतलब पूरा अपनी फैमिली के हिसाब से, जो उन्हें खाना है, जो उन्हें उगाना है, उसके हिसाब से वो ग्रो करते हैं। बेरले, कॉर्न एंड पोटैटोज आर सम कॉमन क्रॉप्स कल्टिवेटेड अंडर सब्सिस्टेंस फार्म। तो ये जो मेन कॉमन है कि हमें आलू भी चाहिए होता है, हमें चावल भी चाहिए होता है, हमें एग भी चाहिए होता है, तो जो मेन जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखकर फार्मिंग करते हैं कि भाई हमें कहीं बेचना नहीं है, हमें खुद ही यूज करना है। नाउ कमर्शियल फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ क्रॉप इज स्पेसिफिकली ग्रोन टू मेक अ प्रॉफिट, कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा यहाँ पर डिमांड में है। जैसे कि सोचो कहीं पर लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, असम में चावल ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर लोग असम में लोग गेहूँ, राइस की फार्मिंग करते हैं ताकि उनके वो राइस बिके और फिर उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। सो द चॉइस ऑफ क्रॉप इज मेड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड्स। एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल। अब क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पर, ह्यूज लेवल पर फार्मिंग होती है तो टूल्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सो देर आर सम क्रॉप्स दैट आर वाइडली एसोसिएटेड विद कमर्शियल फार्मिंग, जो उसके जो उससे कनेक्टेड हैं, जो कमर्शियल फार्मिंग से, जो मेनली जो हैं क्रॉप्स। अब देखो आप बताओ, जो आप चाय, आपके पेरेंट्स जो चाय पीते हैं, चाय कहाँ से आती है, यहाँ पर तो नहीं होती चाय, कहाँ होती है, दार्जिलिंग में, शिलोंग में, है ना। सो वो लोग, उनको पता है कि सारे इंडिया में लोग चाय पीते हैं, है ना, तो
अब वो उनको तो प्रॉफिट होगा अगर वो उगाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर उगती है और फिर वो वहाँ से आगे सब जगह पैक होके पार्सल होती है। ठीक है, अब जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो वहाँ से वो पैक होकर वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो उगाते हैं कि वो आगे तक जाकर, ऐसे सच एज कॉटन जो है, जूट, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, तो ये सब जो है वो मेनली कमर्शियल फार्मिंग के पार्ट और भी हैं बहुत सारे। नाउ वी विल गोइंग टू ऑब्जर्व द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया। अब इंडिया में जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप देखेंगे एंड राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन विच द स्पेसिफिक क्रॉप्स आर ग्रोन। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। नाउ लुक एट दिस कमर्शियल क्रॉप्स, शुगर केन आंध्र प्रदेश, कॉटन, जूट, टी। अब हमें शुगर शुगर केन का एक एग्जाम्पल दिया हो कि वो आंध्र प्रदेश में उगता है। अब हमें कॉटन का एग्जाम्पल ढूंढना है। ठीक है, नाउ दे हैव गिवन यू, यहाँ पर आप उन्होंने आपको टाइटल दे दिया है ना, लेजेंड बना के दे दिया है। शुगर केन का ट्राइंगल है, कॉटन का सर्कल है, जूट का स्क्वायर है एंड टी का स्टार है। ठीक है, सो अब हमें कॉटन का देखना है। ठीक है, सो कॉटन का हम ग्रीन कलर देखेंगे, कहाँ पर है ये, पटना। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, पटना। आई एम टर्निंग ऑफ द वीडियो, माई आई एम टर्निंग ऑफ द कैमरा ताकि मैं लिख पाऊँ। ठीक है, ट्राई करते हैं। लिखा तो नहीं जा रहा, आई थिंक आई कांट राइट। ओके चलो ठीक है, चलो हम वर्बली कर लेते हैं फिर। ठीक है, आई कांट राइट, पता नहीं क्या हुआ पर लिखा नहीं गया हुआ। चलो एंड एनीवेज करते हैं ये वाला। ओके सो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पे हम लिखेंगे पटना। ठीक है, अपना जूट, जूट का है स्क्वायर, सॉरी कॉटन का, कॉटन नहीं आएगा पटना, कॉटन आएगा, कॉटन में है जयपुर, तो आप जयपुर लिख सकते हो। वह जो जूट है उसमें आएगा आपका पटना। ठीक है, टी का आएगा आपका, टी का आपका आएगा शिलोंग भी है। ठीक है, शिलोंग भी लिख सकते हो, असम साइड में ये, मेघालय की साइड में भी है। ठीक है, ये लिख सकते हो, और भी हैं बहुत सारे, कैंटोक भी हैं। ठीक है, तो वो लिख सकते हो। तो आपको समझ आ गया, आपको लेजेंड को रेफ़र करना है और फिर ये वाला टेबल फिल करना, एटलीस्ट यू हैव टू राइट एज मच एज मिनिमम 5। ठीक है, फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच क्रॉप यू हैव टू राइट 5 ऑप्शंस ऑफ 5 स्टेट्स। ठीक है, ये वाला आपको वर्क है, ये आपको करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करना, दिस मैप इज इन योर बुक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।